के साथ। वाराणसी में सर्किट हाउस जिला मुख्यालय से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज शुरुआत की गई। सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने संचारी रोग नियंत्रण के लिए एंटी लार्वा छिड़काव दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव करेगा और आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कोरोना वायरस की जानकारी जुटाने और उसके बाद उन जानकारियों को संबंधित विभागों से अवगत कराने का कार्य करेंगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि संचारी रोग उन्मूलन अभियान उन माध्यमों को खत्म करने के लिए चलाया जाता है जो कि रोगों के वाहक होते हैं, जैसे कि मलेरिया के वाहक डेंगू मच्छर, कालाजार के सैंड फ्लाई आदि का उन्मूलन करने के लिए साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव किया जाता है। वहीं दस्तक अभियान एक सर्वे जैसा अभियान है जिसमें आशा कार्यकर्ता आदि घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि कोई मरीज तो नहीं है। मरीज मिलने पर उसमें रोग पैदा होने के कारणों को जानने की कोशिश की जाती है। हर जगह हमारे जो ब्लॉक लेवल में या शहरों में दो दो लोगों की टीमें बना करके आशा उनके साथ एक और रहेगी, ये लोग घर घर जाएगी और घर घर जाने के बाद आइडेंटिफाई करेगी फीवर के केसेस कितने हैं और उनको आइडेंटिफाई करें, उन घरों में स्टिकर लगाएगी कितने बच्चे हैं जो टीकाकरण से वंचित है और कोविड लाइक सिम्टम्स जिनको है जैसे सांस फूलना खांसी जाकर उनको आइडेंटिफाई करेंगी। उसके बाद जो हमारे टीबी के केसेस हैं जो उसको भी आइडेंटिफाई करेंगी और जो टीकाकरण में जो एडल्ट में कोविड के टीकाकरण से छूटे हैं इसके पहले भी अभियान चला था जी, उन सबको आइडेंटिफाई करके एक हमको पूरे ज़िले की एक एक्सट्रैक्ट फिगर मिल जाएगी जिससे उसमें हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई भी करेंगे और उसके आवश्यकता अनुसार अगर कोई मरीज मिलता तो उसका इलाज भी करेंगे। सच के साथ।